बीजेपी वाला कोई पूछना है कि ये फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी कहते हैं कहां से लाएंगे पैसा, उन्हें बता देना 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा जमीन करने का पैसा जहां से आता है वहीं से बिजली का बिल जीरो करने का पैसा आएगा। मैं 2015 से केजरीवाल जी की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और 2015 में जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो दिल्ली के जो सरकारी शालाएं थी, सरकारी स्कूल थे, उनको बोलते थे खड्डे वाले स्कूल, टेंट वाले स्कूल, टप्पर वाले स्कूल, जाले लगे रहते थे उसमें, कबाड़ खाने जैसे दिखते थे। मैं एक बार सरकारी स्कूल में गया, मैंने ऐसे किसी बच्चे को बोला कि बेटा तुम तो देश का भविष्य हो। मेरे को एक बच्चा बोला सर हम देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वो बात चुप गई, वो बात इतनी चुभी कि दिन रात मेहनत करके आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना दिया है। और खाली बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई, वहां पे पढ़ाई आज इतनी अच्छी होने लगी है कि बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से कोई आदमी अगर दिल्ली जाके रह रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है और वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका बच्चा, उसके परिवार का भविष्य भी है और देश का भविष्य भी है और शानदार भविष्य है। अभी 10 दिन पहले मैं और अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ सरकारी स्कूलों के ऐसे बच्चों से चर्चा कर रहे थे जिनके अभी देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए हैं। एक बच्चा था उसमें दिल्ली में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बेटा आईआईटी में एडमिशन हुआ है, 4 साल में इंजीनियर बनेगा, कम से कम 2 लाख रुपए की तनख्वाह होगी इसकी, कम से कम 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह होगी। एक बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो गई 10 साल पहले, भाई ने उसको 8,000 रुपए महीने कमाता था, भाई उसने उसको पढ़ाया, आज उसका बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उसको कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने मिलने लगेंगे जिस दिन वो 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेगा। हम लोग राजनीति में नए नए आए हैं, हमको राजनीति नहीं आती, यशुदान भाई को राजनीति नहीं आती, सागर भाई को राजनीति नहीं आती, यहां आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता खड़े हैं इनको राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको स्कूल चलाने आते हैं, हमको स्कूल ऐसे चलाने आते हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी जिसके पास पैसा ना हो, गरीब से गरीब आदमी की बेटी जिसके सपने इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनने के हो, आईपीएस बनने के हो, बिना पैसा खर्च किए डॉक्टर बना देंगे उसको, हमको ये आता है, बिना पैसा खर्च किए उसको इंजीनियर बना देंगे, उसको आईएएस आईपीएस बना देंगे, ये हमको आता है और ये बीजेपी वालों को नहीं आता, अगर आता तो 27 साल में कर देते। यहां एक भी सरकारी स्कूल बता दो यहां पे जहां से कोई बच्चा आईआईएम पहुंचा हो। यहां आपके अहमदाबाद में आईआईएम है, बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज है, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं, हमको ये आता है। हमको अभी सागर भाई बोल रहे थे कितना एकड़ से कितने एकड़ पहुंचा आपका वो मेहसाणा वाला बीजेपी का नेता, 4 बीघा से 1000 बीघा अपना करना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता है कि 4x4 की झोपड़ी में रहने वाले को, बच्चे को ऐसा पढ़ा दो कि वो 400 बीघा जमीन खरीद सके, बड़ा आदमी बन जाए, इतना आता है। और ये किया है, दिल्ली में करके दिखाया है। हमको स्कूल ठीक करने आते हैं, हमको अस्पताल ठीक करने आते हैं,
यहाँ पे ये बोलते हैं सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाओ। हमने कहा दिल्ली के लोगों से, गरीब हो या अमीर, हम सरकारी अस्पताल ठीक करके देंगे। 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को जाने की। पूरे देश में बिजली महंगी हो रही है, पूरे देश में। केवल दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं। हमको राजनीति करनी नहीं आती, हमको अपने दोस्तों को अमीर बनाना नहीं आता, लेकिन हमें गरीब आदमी को महंगाई से लड़वाना आता है, क्योंकि उसको बिजली का बिल ना देना पड़े, उसके घर में बिजली का बिल 0 आ जाए, ये केजरीवाल जी को ही आता है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, आज दिल्ली के 47 लाख घरों में बिजली के बिल 0 आते हैं और 51 लाख घरों में पंजाब में 0 आने लगे पहले महीने से ही। अभी यहां पे अभी पहला महीना है। हमको ये करना आता है, हमको बसें फ्री करनी आती है महिलाओं के लिए, हमको अपने लिए फ्री करना नहीं आता। ये सारे नेता अभी इशदान भाई बता रहे थे सी आर पाटिल जी के घर में बिजली जलती है तो 4000 यूनिट उनके घर में बिजली का बिल उनको 0 आता है। हमको यह आता है कि इस गांव में, गुजरात के गांवों में एक किसान, एक शहरों में रहने वाला कोई मजदूर, कोई नौकरी करने वाला आदमी, व्यापारी अपने घर में बिजली का बिल जलाए, बिजली जलाए, पंखा चलाए, तो उसका बिजली का बिल 0 कैसे आए, हमको यह आता है। दिल्ली ने करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं और गुजरात में आपके बीच में इस रात को आके खड़ा हुआ हूं कि एक मौका केजरीवाल जी को दे दो, गुजरात में भी करके दिखा देंगे। अभी सुदान भाई ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने बोला हम सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम सरकारी अस्पताल बहुत शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली के बिल 0 आएंगे आप सबके मार्च के महीने से। उन्होंने बोला बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको 3000 रुपए महीने का भत्ता देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बसें फ्री कर देंगे। ये सारी बात इन्होंने बोली। 50 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, इन्होंने ये बोला। ये बीजेपी वाले बोलते हैं कहां से लाओगे पैसा, मैं बताऊं पैसा कहां से लाओगे। अब की बार बीजेपी वाला कोई पूछने आए कि ये फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी कहते हैं कहां से लाएंगे पैसा, उन्हें बता देना 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा जमीन करने का पैसा जहां से आता है वहीं से बिजली का बिल 0 करने का पैसा आएगा। 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा करने का पैसा जहां से आता है वहीं से पैसा आएगा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का, क्योंकि उसके बाद सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं बैठेगा जो अपने जमीन को 4 बीघा से 1000 बीघा करता हो। ऐसे नेता आएंगे जो जनता के लिए काम करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज रात इस सभा में आपका जोश बता रहा है कि अब गुजरात इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है। हर तरफ से ये आवाज उठ रही है अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस बदलाव चाहिए। स्कूल बदलने का बदलाव, अस्पताल को बदलने का बदलाव। ये जो पेपर फूटते रहते हैं, मुझे बता रहे थे पूरा नॉर्थ गुजरात पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से भरा पड़ा है, तैयारी करते हैं लेकिन पेपर फूट जाता है, किस्मत को रोते हैं। ये बंद करना है और जो पेपर फूटने वाले दलाल हैं उनको जेल में भेजना है ताकि फिर कोई पेपर फूटने की हिम्मत ना कर सके। ये करना हमको आता है। दिल्ली में 2015 से पहले बहुत पेपर फूटा करते थे, 2015 के बाद एक भी पेपर नहीं फूटा, रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये हमको आता है, ये इनको नहीं आता। ये 27 साल से केवल और केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने मित्रों का पेट भरने में लगे हुए हैं। हम जनता 5 साल से जनता ने मौका दिया, हम जनता का पेट भरने में लगे हुए हैं, जनता को बच्चे में पढ़ाने में लगे हुए हैं। आज आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं सब लोग यहाँ पे, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना आप परिवर्तन के लिए तैयार होंगे, जितना आप सोचेंगे झाड़ू पे बटन दबाना है,
उतना दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता सोचेंगे ये अरविंद केजरीवाल जी को उल्टे सीधे मामलों में कैसे फंसाना है। जितना आप यहाँ तैयारी करेंगे और करते रहिए, चिंता मत करिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश को लुटने देने के लिए तैयार नहीं। गरीब आदमी पैसा कमाता है। आप लोग ये मत सोचना कि आप सरकार को पैसा नहीं देते। आप में से कौन कौन टैक्स देता है बताना जरा, सरकार को पैसा देता है कोई? देखो इतने कम लोग हाथ उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह जब सोओगे जाके तो बिजली के बल्ब की तरफ देखना, घर में बिजली का बल्ब जलता है कि नहीं जलता? उस बिजली के बल्ब को जब खरीद के लाए थे तो सरकार को टैक्स देके लेके आए थे। अगर 20 रुपए का बिजली का बल्ब था तो 4 रुपए सरकार को गया था, 16 रुपए बनाने वाले को गया होगा। ये करते हो आप, वो बिजली जलती है घर में, पंखा चलता है घर में, सब पे बिजली पे भी टैक्स होता है, पंखे के खरीदने पे भी टैक्स होता है। कल सुबह जब सो के उठोगे, ब्रश करते हो ना टूथपेस्ट, सबसे पहले सो के उठ के जो टूथपेस्ट करते हो, वो टूथपेस्ट जब 20 रुपए का 50 रुपए का लेके आते हो बाजार से, वहां भी 10 रुपए टैक्स देके आते हो। नमक खरीद के लाते हो, चीनी खरीद के लाते हो, दूध खरीद के लाते हो, दही खरीद के लाते हो, माचिस खरीद के लाते हो, भिखारी भी माचिस खरीद के लाता है तो सरकार को टैक्स दे के आता है। ये सारा पैसा इकट्ठा होता है तब स्कूल बनने होते हैं, लेकिन स्कूल नहीं बनते, नेता को 1000 बीघा जमीन खरीद ली जाती है। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि ये हमारा और आपका पैसा है, इस पैसे की चोरी होने देने वाली सरकार मत चुनिए। इस चोरी को रोकने वाली और इस पैसे को स्कूलों पे और अस्पतालों पे खर्च करने वाली, महिलाओं पे खर्च करने वाली, नौकरियों पे खर्च करने वाली सरकार चुनिए। दिल्ली के लोगों ने चुनी है। आज केजरीवाल जी को तीन बार से लगातार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके देख के पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा किया। आज मैं गुजरात के लोगों से कहने आया हूँ कि एक बार केजरीवाल जी को मौका दीजिए। और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये तरह तरह के बहाने बनाएंगे, आरोप लगाएंगे, इस उदान भाई के बारे में कुछ बोलेंगे, सागर भाई के बारे में कुछ बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलेंगे। आप कह देना होंगे ये दुष्ट, होंगे ये कुछ भी, हमें तो अपने बच्चों के स्कूल ठीक करने हैं। वो बीजेपी वालों को नहीं आता, वो इस उदान भाई को आता है, वो सागर भाई को आता है। बस यही कह देना। ये मेरे पास आए थे, बोले सीबीआई में फंसा देंगे। मैंने कहा फंसा दो, मैंने कोई चोरी नहीं की, फंसाओगे कहां? बोले ईडी में फंसा देंगे, जेल में डाल देंगे। मैंने कहा डाल दो, इस देश में अदालत है, तुम झूठे जेल में डालोगे, अदालत ने मुझे बाहर निकाल देगी, मैं ईमानदार आदमी हूं। बोले अच्छा चलो ऐसा करो, रेड डाल देते हैं तुम्हारे घर। रेड डाल दी मेरे घर में। क्या मिला मेरे घर में? इनको लग रहा था 7 साल से मंत्री हूं। यहां पे आप ऐसे मंत्री देखते हो जो 4 बीघा पर 1000 कर लेते हैं। 7 साल से मंत्री हूं, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ा के 70,000 करोड़ हो गया, मेरे घर का बजट नहीं बढ़ा। मेरे घर में इन लोगों को उम्मीद थी पता नहीं क्या निकलेगा क्या निकलेगा। सीबीआई की रेड डाली तो मेरे घर में निकला मेरे बच्चे का झुनझुना। वो भी पूछ रहे थे भाई ये किस लिए रखा हुआ है? मैंने कहा मेरे पास तो यही है, कुछ नहीं निकला। फिर बोले अच्छा ऐसा करो, ये तो बीजेपी वाले बड़े खराब हैं, ये आपको फंसा फंसा के जेल में सड़ा देंगे, आप ऐसा करो इनसे समझौता कर लो। मैं क्यों? बोले केजरीवाल जी को छोड़ के इनके साथ आ जाओ। मैंने कहा क्यों आ जाऊं? फर्जी मुकदमे चला रहे हैं मेरे ऊपर इसलिए? बोले नहीं नहीं आप समझा करो, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मेरी माँ ने मुझे बचपन में महाराणा प्रताप की कहानी सुनाई थी, मुझे इस बात पर गर्व दिलाया था कि तुम महाराणा प्रताप के खानदान से आते हो, मुझे मेरी माँ ने इस बात पर गर्व दिलाया था। और मेरी माँ ने समझाया था कि तुम उस खानदान से आते हो जिसका एक आदमी अपनी जनता के लिए जंगल में घास की रोटी खा लेता है, लेकिन किसी दिल्ली के बड़े सरदार के सामने सर नहीं झुकाता है। मुझे ये सिखाया गया, मैं नहीं झुकूंगा, बिकूंगा नहीं, गद्दारी नहीं करूंगा। तो बोले फिर जेल में डालेंगे, मैं डाल दो, गुजरात में सरकार बन जाएगी तब तक। आप जेल में डालोगे गुजरात के लोगों को और गुस्सा आएगा कि एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल रहे हैं। गुजरात के लोग पहले 2 वोट देते तो 4 वोट लेके आएंगे मेरे लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग इतनी देर रात तक इंतजार करते रहे। बस आपसे यही विनती है कि इस बार वोट किसी नेता को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को डालना। और आपके बच्चों का भविष्य नेताओं से नहीं बनेगा, स्कूलों से बनेगा। और स्कूल केवल अरविंद केजरीवाल बनवा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ही बनवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।